हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी काजल सीरीज। यस, तो मेरे पास कुछ काजल्स हैं जो मैंने बाय किए हैं और मैंने 4-5 मंथ्स जो लास्ट के रहे हैं उनमें यूज़ भी किए हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो 3 शेड हैं काजल के, वो हैं ब्लैक, ग्रीन एंड ग्रे शेड। ठीक है, जो शिमरी शेड होता है। अब कौन सी कंपनी का है और ये कैसा रहने वाला है, मतलब अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपके फेस आईज़ पे स्टे करेगा या नहीं करेगा, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं प्लम काजल की बात करूँ तो प्लम काजल बिल्कुल यूज़लेस काजल है। यस, ये ना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है और ये जो हमारी आईज़ में वाटर होता है ना, इससे क्या होता है, ये लगते ही फेड होने लगता है और बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मुझे इसका कलर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड इसके साथ एक शॉर्पनर फ्री भी आता है और ये बहुत महंगा काजल भी है। उसके बाद मेरे पास में है शुगर का काजल। शुगर का काजल बेस्ट काजल है, ठीक है, क्योंकि शुगर का काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी शुगर का ही काजल लगाया हुआ है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही ना कोल ब्लैक शेड ही आपको देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइट शेड ही आपको देगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये जल्दी से मिटने वाला नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पास में ये शिमरी काजल है। इसके ऊपर से तो ब्रांड का जो नेम है वो बिल्कुल हट गया है, लेकिन मैं इसको चेक करके शेयर कर दूँगी अगर आपको जानना हो कि कौन से ब्रांड का है। ये बहुत ही अच्छा काजल है एंड ये ना आप मतलब डायरेक्ट अपने आईलाइन पे यूज़ कर सकते हो एंड ये आपको बहुत ही शिमरी इफेक्ट भी देता है, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा है ये वाला जो काजल है ना, ये बहुत अच्छा है पार्टीज़ के लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेरे पास कौन सा काजल है, तो ये है ब्लू हेवन का। ये 2 इंटेंस काजल है, ब्लैक कोल इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला काजल भी बिल्कुल यूज़लेस है क्योंकि ये ना एक बार ही लग तो जाएगा लेकिन इतने लाइट कलर में लगता है, प्लस साथ में ये बिल्कुल ही जो हमारे आईज़ के अंदर का जो इंटरनल वाटर होता है ना, उससे मिक्स होकर के ये बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो ये 5-10 मिनट बाद तो गायब ही हो जाता है, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। ये मेरे पास में बेला वोस्टे का काजल है, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है। बेला वोस्टे का जो काजल है टूट गया, ये ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। तो ये जो बेला वोस्टे का काजल है, ये भी काफ़ी अच्छा काजल है। इसका भी जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक में आता है एंड काफ़ी डार्क कलर आता है, बट ये भी इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जितना शुगर का है। तो अगर मैं सारे काजल्स की बात करूँ तो मुझे शुगर का ये बेस्ट लगता है। और पहले जो काजल हम लोग यूज़ किया करते थे उसमें ब्लू हेवन के छोटे छोटे काजल आया करते थे, छोटे छोटे से क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे काजल के पैक्स होते थे, वो आते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हिमालय का काजल भी बहुत अच्छा होता है, वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है। और एक येलो कलर का कोल काजल आता था, कोलोसल काजल, वो भी ओके होता है, वो भी इतना डार्क और इतना लॉन्ग लास्टिंग मुझे तो नहीं लगा। मेरे साथ तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। तो मैंने अभी तक जितने भी काजल यूज़ किए तो मुझे शुगर का ही काजल अभी तक बेस्ट लगा है। और अगर इन फ्यूचर और भी कोई काजल मैं बाय करूँगी तो आई विल शेयर विद यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।